दोस्तों गुड मॉर्निंग, एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप दोस्तों जिन महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर के, अपनी आहुति दी, के बलबूते आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं, विचरण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों तो उन महापुरुषों को हम सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलबूते ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। आज भारत एक विकासशील देश बन चुका है। हम लोग स्वतंत्र होकर के भारत में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये उन्हीं महापुरुषों की देन है जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने में रात दिन मेहनत करी, लड़ाई लड़ी, जेल गए और कई सारे के आपने इतिहास पढ़ा। तो देखिए धूप आ चुकी है और काफ़ी सुनहरी धूप आ रखी है। सूरज भगवान भी उग चुके हैं और मैं आया हूँ अभी करबला में। करबला में दोस्तों एक हमारे गांव के मित्र हैं, हमारे गांव में रहते हैं, तो वो हल्द्वानी में रहते हैं। तो उन्होंने कुछ सामान भिजवा रखा है। उन्होंने बोला है कि यार खोल्टा में हमारा ससुराल पड़ता है तो वहाँ दे देना करके। इसलिए मैं दोस्तों आ गया है सामान, ये देखिए इसमें शायद मेडिसिन है, आप देने जाना है। मेडिसिन आजकल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पता ही है आपको। आजकल दुख बीमार तकलीफ में हर कोई रहता है, कई बीमारियाँ हैं, तो मेडिसिन सबसे पहले खाना मिले ना मिले, मिलेगी मेडिसिन मिल जाए तो सभी को राहत मिल जाएगी। दोस्तों गुड इवनिंग, आज अनिता और माँ आए हैं विशाल मेगा मार्ट। दोस्तों रक्षाबंधन है, ही शिवरात्रि है कल को, और उससे पहले गुन्नू के लिए राखी खरीदनी है। दोस्तों गुन्नू का पहला रक्षाबंधन है तो गुन्नू के लिए बहुत सारा सामान खरीदने के लिए अनिता और माँ आए हैं। अनिता अंदर चली गई है, देखिए यह है विशाल मेगा मार्ट अल्मोड़ा। दोस्तों विशाल में ऑफर चल रहा है तो लाउड स्पीकर के द्वारा जो विशाल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए कितने भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं, त्योहारों का सीजन है। दोस्तों पहुँच चुके हैं अंदर मॉल में, देखिए अनिता कपड़े छाँट रही है, अभी क्या पसंद आता है देखो। लेना है अनिता ने, गुन्नू के लिए लेना है, खुशी, तन्नु, मीसू सभी के लिए लेना है। दोस्तों गिफ्ट देखिए। नमस्कार, क्या हो रहा है सुनवाल साहब? हाँ तुम कहाँ, क्या करो यहाँ विशाल में? किसके लिए करो शॉपिंग? क्या खरीदे थे? बादाम, बादाम इतना पेट जाएंगे बादाम ही। और वो क्या कहते हैं, क्या वीडियो जो बहुत बार बनाते थे बहुत इतना टाइम का वो वीडियो। अब दोस्तों जा रहे हैं ऊपर को, अनिता ने कुछ सामान ले लिया है, अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए पूरा झूला झमटा यहीं से पकड़ना है। दोस्तों अनिता विशाल में कई समय बाद आ रही है, जब गुन्नू की पहले शॉपिंग करी थी हमने तब से आज ही आ रही है विशाल में। अब अनिता ने ट्रे ले ली है, ट्रे में सामान भरते रहना है। देखो क्या क्या लेते हैं हम लोग, भीड़ काफ़ी है दोस्तों यहाँ पे। अब अनिता देख रही है वाइप्स बच्चे की क्लीनिंग के लिए, ये देखिए एक के साथ एक फ्री है दोस्तों, ये वाइप्स हैं, अच्छा है, बहुत ऑफर चल रहा है। तो मैं तो ले नहीं रहा हूँ अभी देख रहा हूँ कि कोई चीज़ पसंद आती है, तो अभी तो सिर्फ देखने के लिए कि क्या क्या लिया जा रहा है आज गुन्नू के लिए। बहुत सामान लिया जा रहा है गुन्नू के अलावा भी। अनिता सोच रही है आज पूरा विशाल ही लेके उठा के ले चल दो कमरे में, लेकिन क्या करें मजबूर है। देखिए दोस्तों कितने भीड़ है यहाँ पर आप विशाल में, देखो मेहता जी मिल गए हमारे। दोस्तों मेहता जी मिल चुके हैं, मेहता जी से मुलाकात आज काफ़ी दिन बाद हो रही है। ये अभी जैसे मैं सामान लेने आया था तो ये भी मॉल में मुझे मिल गए हैं, ये वहाँ के डिलीवरी बॉय हैं। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए होगा तो आपके होम डिलीवरी भी हो जाएगी। दोस्तों ये मेहता जी के दोस्त हैं और दोनों आए हैं लोग। क्या ले लिया आपने शॉपिंग कर? गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों देखिए मेहता जी पानी पीने का सही रहेगा? हाँ हाँ, पानी बहुत आ जाता है इसमें, एक लीटर पानी आता है। क्या किसी को पता चल जाएगा मुझे कितना पी सकता हूँ? जी बिल्कुल सर, इसमें तो पानी पीऊंगा, इसमें क्या पीऊंगा? ये है, ये तो पीने वाले ही बता सकते हैं। ये है सर, बताएंगे क्या चीज है वो बताइए। इनका सोमरस, सोमरस जो एक बूंद वाला होता है दोस्तों, वो पी सकते हैं आप इसमें। टकीला शॉट, टकीला शॉट चाहिए। ये गुन्नू के लिए लिया जा रहा है दोस्तों, देखिए मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं आया हूँ एफजी में। ये गुन्नू के लिए ले रहे हैं हम, ये पूरा पैक पैक है, घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या।
यहाँ देखिए दोस्तों, सारे बच्चों के खिलौने हैं विशाल। दो मंजिले में आप कभी भी आएंगे तो सेकंड फ्लोर ये सब बच्चों के हैं। ये क्या है? ऊपर से सामान ले लिया है, जा रहे हैं नीचे को। दोस्तों अल्मोड़ा के विशाल में ना काफ़ी स्पेस है दोस्तों, सामान बहुत ढेर सारा सामान है। क्या है? बेड प्रोटेक्टर जो ऑनलाइन मंगा रही थी, अब मिल ही नहीं रहा है। बेड प्रोटेक्टर तो है हमारे पास पूरे बेड के लिए। दोस्तों सामान काफ़ी ले लिया हमने, पूरा ट्रे भरी हुई है। अब सामान लेने के बाद हम आ चुके हैं बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर दोस्तों बहुत है यहाँ पे, 3-4 बिलिंग काउंटर है। देखिए सारी जगह भीड़ लगी हुई है, तो हम सबसे कोने में आए हुए हैं, यहाँ पर बिल कटवा रहे हैं। उसके बाद जाना है मार्केट, अभी और दिखाएंगे आपको। दोस्तों इस काउंटर पे भीड़ काफ़ी है, लेकिन हमारा नंबर आ चुका है और बिलिंग काउंटर वाले बिल बना रहे हैं, लेकिन बिलिंग वाला गड़बड़ी गया है दोस्तों। तो सामान ले लिया है, अनीता पैक कर रही है सामान कैरी बैग में। देखिए तो हमने विशाल से शॉपिंग कर ली है, अभी और मार्केट जाना है। अभी कई चीज़ें खरीदनी है गुन्नू के लिए भी, क्योंकि कल घी संक्रांति है, परसों 19 तारीख को रक्षाबंधन है, और अभी अनिता ने भैया लोगों के लिए रक्षा भी खरीदनी है। देखते हैं, अभी बहुत शॉपिंग बची हुई है हमारी। यह है विशाल का लोकेशन, देखिए दोस्तों काफ़ी सेल है विशाल की पर डे नियमित रूप। दोस्तों हम आ चुके हैं सरस्वती रेस्टोरेंट में, जो जेल रोड में है, एंटीडी वाली रोड में। अब हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है दोस्तों। बैठे हैं गुप्पा खाने के लिए, अनिता भी बैठी है, मेन्यू चार्ट देख रही है और कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या मंगा दिया अनिता। दोस्तों देखिए मेरा तो आ गया है, अनिता का नहीं आया है अभी। मैंने मंगा रखा है गुप्पा नॉन वेज, ये देखिए नॉनवेज थुप्पा, इसके साथ ये है सूप। आजकल तो दोस्तों सरस्वती में आना बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन पहले हम एनजीडी में हुआ करते थे तो सरस्वती में हम अधिकांश आया करते थे। यहाँ पर पहले से ही फेमस है, हम लोग पहले से खाते हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अनिता का नहीं आया है, अनिता को चलाने में मज़ा आ रहा है, अभी आया नहीं है। दोस्तों मैंने सब खा लिया है, अनिता का अभी तक नहीं आया है। बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। दोस्तों देखो अनिता है खाने में, छू दू गली बोगना दू गली बिल्कुल पूरा बैल भर गई। देखिए आ गया है अनिता का, आ गया खाना, वह सुप्पा क्रीम में पड़ा है इसमें, तो मेरे उसमें तो खाई नहीं। दोस्तों आ गए हैं हम लाला बाजार, लाला बाजार पटाल बाजार सामान लेने के लिए। देखिए भी ये देखिए, रात हो चुकी है, शाम का बच चुका है 7, पहुंच गया राखी की दुकान पे। अनिता राखी ढूंढ रही है, कौन कौन सी राखी लेनी है। दोस्तों अनिता राखी में रणी गई है, रणी कौन सी लूं होगी, ये देखो इतनी राखियां हैं, बहुत सारी हैं। वो दुकानदार दिखाते रह गए अनिता को, आप पता नहीं कौन सी राखी खरीदती है। देखो इतनी राखियाँ हैं यहाँ पे, कौन सी लूँ हो रही है, महंगी सस्ती अलग अलग रेट की हैं लाला बाजार में। ये राखी हैं 20 वाली हैं एक की, ये भी 20 की है, ये भी अच्छे हैं राखी, तो ये वाले। देखिए दोस्तों अल्मोड़ा में इस ब्रांड की राखियाँ आ रखी हैं, आपके वहाँ कैसी आ रखी हैं बताएं। ये देखिए ये फोन पे भी है, कहीं स्कैन ना हो जाए इस चीज़ से, हो नहीं रहा स्कैन, नहीं हो रहा इससे। अनिता ने ले लिया धड़ी भर, ये ले लिया हमने, अनिता ने बहुत ले लिया आज। तो हम कमरे में आ चुके हैं, देखो गुन्नू रोने में है, कितना रो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है गुन्नू, बिगी बिगी हो रहा है, बिगी बिगी हो रहा है, बता नहीं पी रहा है, याद आ गई मम्मी पापा की उसको, याद आ गया, मम्मी आ गई ना, तेरी मम्मी आ गई, देखो आपके लिए हम कार लाए, देखो लाई है तेरे दूध तो पी है, ये सरलक लाए हैं दोस्तों, देखो गुन्नू के लिए ये सरलक व्हीट एप्पल, ये ग्रे वाटर है, कैसे देख रहे हैं देखो, पिलाना है पूछ के आएंगे, लिखा होगा कुछ नहीं पूछा, 1.65 ml पिलाना है। आपने क्या खाया, क्या खाया आपने, ये है अभी वो मम्मी, अभी कुछ नहीं पिया दूध,
निपिया आज गुन्नू खाएगा सरलेक। जैसे मिली वैसे राखी उठा लाई मैं भी। घर से लेट कर दिया भैया ने। तो अच्छा जो हो जाती है तभी तो मैं एक की दुकान में घुसी ऐसे उठ के देख रहा है मुझे भी दे रहा है। तेले भी लाई तेले तो डरे हुए हैं लाई तेले डरो मोना है। कौन सा लाई गुन्नू के लिए दिखा मोटा भीम निकल नहीं रहे गुन्नू के राखी। ये है गुन्नू के लिए डोरेमोन। ये डोरेमोन वाली राखी डोरेमोन वाली राखी लाई आपके लिए। देखो ये सिंचिन राखी गुन्नू के लिए। ये गुन्नू के दोनों दीदियों की ये राखियां देखो कितने वाली हैं। 20-20 वाली। हाँ परसों मैं दूसरी लाई 20 वाली। ये 20 वाली है। हाँ। और खागे उन दिनों खुली रही थी ना नहीं दियो। हाँ। और ये वाली कितने की है। ये वाली 10 वाली है। मैं तल लूंगी अब। और ये वाली 5 वाली है। अच्छा रात भी हो चुकी है। समय कितना बज गया है देखिए 7:30 हो गया है। हो रहा है वो गलत बात कर रहा है। गलत बात कर रहा है वो अपने पापा के लिए ऐसा सुन ही नहीं सकता है। अपने पापा के लिए ऐसा नहीं सुन। तो मेरे को पकड़ दी बोल दे। अभी तुम बाजार में मस्ती करने गए थे घूमने फिरने गए थे किसने पकड़ा ताई ने ना फिर ताई ने पकड़ा। ठीक है ये देखे गुन्नू के बॉल नहीं मिली इसमें चाबी है। गुन्नू के दांत से पकड़ने के लिए भी लाए हैं हम। ये देखो इसमें बहुत सारे ये देखिए ये गुन्नू की चीज कौन सा मुंह डालने वाला दोस्तों। ये देखिए गुन्नू के जो दांत आ जाएंगे ना ये दांत आएंगे तो दांतों को मजबूत करने के लिए इसे चबाएगा गुन्नू। गुस्सा है अच्छा है गुन्नू अच्छा है। ये देखिए 149 का तीनों चीज। ये गुन्नू के वाइप्स। वाइप्स एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री है वाइप्स। दोस्तों घर आते आते लेट हो गई थी तो गुन्नू की नैनी ने कहा कि आप मुझे छोड़ो तो आपके लिए पनिशमेंट है आप जा रहे हैं गुन्नू की नैनी को छोड़ने। तो दोस्तों मैं नैनी को छोड़ के आ गया हूँ। नैनी का घर है ब्रेड इन कॉर्नर अल्मोड़ा। अब मैं कमरे में पहुंच चुका हूं। कमरे में पहुंच कर अनीता का बन रहा है आज सब्जी। क्या सब्जी बन रही है आज। बन रहा है आलू के थेचुए और अंडा करी दो सब्जी। हाँ। अच्छा गुड बहुत बहुत धन्यवाद दो सब्जी बनाने के लिए। वेलकम। देखिए दोस्तों गुन्नू के हाल ये अपने आप उल्टा हो जाता है और फिर रोते रहता है। कावा पता क्या हुआ आपको। देखिए हंसी देखो उसकी। कावा बेटा ए मेरे शाबाश कावा। थक गए आप। थक गए लो आपका खिलौना देखो ये देखो ये देखो शाबाश कावा। लोग क्या कहेंगे आपसे। सभी लोग कहेंगे गुन्नू बिगी बिगी हो गया है। गुन्नू बिगी बिगी हो गया कहेंगे गुन्नू को झूला झुला रहे गुन्नू के पापा अपने हाथों में। झूले की भी जरूरत नहीं है।